हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। घर का पका में आज हम बनाएंगे सुपर इजी, सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी एंड जूसी चिकन पकौड़ा। आप चाहें तो इसको बोनलेस में बना सकते हैं, आप चाहें तो विद बोन बना सकते हैं, मगर ये बहुत मजे का बनता है। तो आप इसको बनाएं बच्चों के लिए। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको वैसे भी चाय के साथ खा सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि चिकन पकौड़ा बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है और इसको कैसे बनाया जाता है। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको हमने इस तरह बाइट साइज में कट कर लिया है। ये देखें, इसको पहले हमने अच्छा सा धोया, फिर इसको ड्राई किया और फिर इसको इस तरह बाइट साइज में कट कर लिया। ये है 500 ग्राम, यानी एक मुर्गी का सीना है। इसमें जाएगा 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें शामिल करेंगे हम 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून लेमन जूस। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जितना सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून जितना ये करी पत्ता है, इसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है, ये जाएगा इसके अंदर। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें जाएगा 1/4 कप बेसन। इसमें शामिल करेंगे हम 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर, चावल का आटा। चलें, इसमें हस्बे जरूरत पानी शामिल करेंगे हम, जितना हमें जरूरत है, और इसको यहाँ पे अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। अगर पानी की जरूरत हो तो शामिल करें, ना हो तो ना करें। इसको अच्छा सा यहाँ पे हम मिक्स कर देंगे और इसको मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए। देखिए फ्रेंड, ये चिकन हमारा यहाँ पे अच्छा सा मैरिनेट हो चुका। इसको अब हम कवर करेंगे और इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे में ये बड़ा अच्छा सा सेट हो जाएगा, तो इसको हम इसके बाद हम डीप फ्राई करेंगे। इसको हम रखते हैं अब फ्रिज में। चिकन की मैरिनेशन को 1 घंटा हो गया है, तो ऑयल यहाँ पे हमारा अच्छा सा गर्म हो रहा है। तो अब हम इसके अंदर ये 1/1 इसके अंदर डाल के तो फ्राई करेंगे हम अपना चिकन पकौड़ा। देखें, ये बड़ा जबरदस्त सा, बड़ा क्रिस्पी और जूसी बनता है। ये बहुत ही मजे का बनता है, आप भी जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत मजे का लगेगा। देखिए फ्रेंड, ये हमारा यहाँ पे चिकन पकौड़ा अच्छा सा फ्राई हो रहा है। इसको अच्छा सा क्रिस्प और गोल्डन करके हम डिश आउट करेंगे। इसको मीडियम लो फ्लेम पे आपने पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं इसको आपने पकाना। ऊपर से ये बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी होगा और अंदर से बहुत ही मजे का जूसी भी होगा। देखिए फ्रेंड, ये चिकन पकौड़ा ऑलमोस्ट हमारा बन के रेडी है। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह इस पे कलर आया है और कितना ये क्रिस्पी और जूसी भी है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। आप भी जरूर बनाएं, ये बच्चों का तो बहुत फेवरेट होता है। तो ये एक किस्म का, ये पकौड़े का पकौड़ा भी है और एक किस्म का ये नगर्स भी है। ये दोनों जगह चल जाता है और बहुत मजे का लगता है कि बच्चों का, इसलिए तो ये फेवरेट है। तो चलिए इसको हम करते हैं यहाँ पे डिश आउट। यहाँ पे फ्लेम हम करते हैं ऑफ और इसको हम यहाँ करते हैं डिश आउट। तो देखिए फ्रेंड, कितना मजे का हमारा ये चिकन बोनलेस पकौड़ा बनके रेडी है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हमारा चिकन पकौड़ा बनके रेडी है। तो आप भी ये जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें, बहुत गर्म है अभी। तो फ्रेंड, आपको मेरी आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।